गुड मॉर्निंग बच्चों, ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज वर्ग 8 के सामाजिक अध्ययन में संसाधन विषय पर विशेष चर्चा करूंगा। तो बच्चों, आज का विषय है संसाधन। पहले बच्चों हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग समझेंगे कि आखिर ये संसाधन क्या है। तो बच्चों, हम लोग अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, हम नजर दौड़ाते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, और वे सारी चीजें जिन जो नजर आती हैं, जिनका हमारे जीवन में उपयोग है, जिनका मूल्य है, वो सारी चीजें संसाधन कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की को पूरा करती हैं, वे सारी चीजें संसाधन कहलाती हैं। अब हम लोग कह सकते हैं, हम अपने आसपास क्या देखते हैं, जैसे हम लोग कक्षा में आसपास देखें, हमारे क्लास में बेंच है, डेस्क है, पुस्तकें हैं, कॉपियां हैं, और आसपास पेड़ पौधे हैं, नदी है, झरना है, सारी चीजें जो हम देखते हैं जो हमारे जीवन में उपयोग में आती हैं, वे सारी चीजें संसाधन कहलाती हैं बच्चों। अब है कि कोई भी वस्तु संसाधन बन जाती है जब उसका कोई मूल्य होता है। कहने का अर्थ है कि जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए मूल्यवान है, हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और हमें वो काफी लाभकारी होती हैं, तो उनका कुछ न कुछ मूल्य होता है। अब उनमें से कुछ का वाणिज्यिक लाभ होता है, कुछ का वाणिज्यिक मूल्य होता है, कुछ का वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। जैसे हम अपने आसपास जो देखते हैं, जैसे उनका कोई मूल्य, जैसे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनके हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, मूल्य प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो जैसे हमारे आसपास जो मनोरम दृश्य है उनका कोई वाणिज्यिक विशेष मूल्य नहीं होता, लेकिन वो भी संसाधन कहलाती हैं। कुछ ऐसे संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इसका मतलब यह है बच्चों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समय के अनुसार उनके मूल्य में परिवर्तन होता है, उनके मूल्य में वृद्धि होती है या उनमें, तो जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जैसे दादी माँ नानी के पास कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं बुखार का, सर्दी का, कुछ ऐसी दवाइयाँ बताती हैं जो उनके लिए कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन उसी को अगर कोई संस्था, कोई व्यक्ति पेटेंट करा लेता है और उसको दवा दुकान वाले या दवा कंपनी वाले उसको दवा बना करके बेचते हैं, तो उनका एक आर्थिक मूल्य उन्हें प्रदान होता है। तो वो अगर किसी वस्तु पर कोई पेटेंट कर लेता है, किसी का अधिकार रहता है, तो वो उस पर आर्थिक लाभ होने लगता है। तो अब हम लोग पेटेंट क्या होता है, एक शब्द आया पेटेंट। पेटेंट का अर्थ होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार का व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होता है। यानी अगर किसी विचार पर, किसी दवा पर, किसी और चीज पर किसी संस्था ने उस पर आविष्कार किया और उस पर अधिकार कर लिया कि वो उसको बेचने का, आर्थिक लाभ कमाने का सिर्फ उसी का अधिकार है, तो उसको हम लोग पेटेंट कहते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे संसाधन के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के, तो संसाधन मुख्यतः तीन प्रकार के हैं बच्चों, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। हम लोग एक एक करके सभी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राकृतिक संसाधन। हम लोग पहले तीनों पर छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब वैसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध हैं और उन पर किसी बिना किसी विशेष संशोधन के उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले जैसे हवा है, पानी है, झरना है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, ये सारे प्रकृति में पहले से उपलब्ध हैं और उस पर हम लोग कोई संशोधन नहीं करते हैं विशेष रूप से, और उनका प्रयोग हम करते हैं, उनका हमें लाभ होता है, हम दैनिक जीवन में उस पर हमें उपयोग करते हैं, तो वो सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, यानी प्रकृति में उपलब्ध संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, जो मनुष्य के द्वारा कुछ संसाधन, जैसे हमारे यहाँ कुर्सियाँ उपलब्ध हैं, पुस्तकें हैं, कलम है, पंखा है, ये सारे मनुष्य ने बनाए हैं, ये भी हमारे लिए उपयोगी हैं, ये भी हमारे लिए दैनिक जीवन में उपयोगी हैं और ये भी संसाधन हैं क्योंकि हम दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये प्रकृति में पहले से उपलब्ध नहीं थे बल्कि इनको मनुष्य ने बनाया है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और तीसरा है मानव संसाधन।
मानव संसाधन में बच्चों मनुष्य में अपने गुणों के कारण जो लाभ कमाता है वो भी एक संसाधन है, एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। जैसे कोई गायक है, कोई शिक्षक है, कोई वकील है, वो भी अपने गुणों का के बल पर वो कमाता है, खाता है और उसका उपयोग करता है। तो मानव भी एक तरह का संसाधन है। तो बच्चों इसकी दोनों की चर्चा हम लोग अगले पाठ में करेंगे। हम लोग अभी इस भाग में प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग पर हमने चर्चा कर चुके हैं हम लोगों ने कि जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध है और उपलब्ध बिना किसी विशेष संशोधन के उनका उपयोग करते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, इसके भी दो प्रकार हैं, एक है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन बच्चों वैसे संसाधन जिनका ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग किया जा रहा है, जैसे अभी हमारे पास ज्ञात है, अभी जिनकी जानकारी हमें है, जैसे बच्चों कोयला ज्ञात है, लोहा ज्ञात है, बॉक्साइट ज्ञात है, इनका उपयोग हम कर रहे हैं और कुछ समय के बाद इनका ये समाप्त भी हो सकते हैं। और जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं ऐसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध हैं और जिनका वर्तमान हम उपयोग कर रहे हैं वैसे संसाधनों को वास्तविक संसाधन कहते हैं। दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन में बच्चों इसका मतलब हुआ कि जिसकी संभावना है, हम जिसकी संभावना है कि हमारे बीच में कुछ संसाधन ऐसे हो सकते हैं जिनका हम भविष्य में उपयोग करेंगे और हमारे लिए पूरे मानव जाति के लिए वो उपयोगी होगा। तो जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, जिनके बारे में अभी हमें ज्ञात नहीं है कितनी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम का भंडार एक संभाव्य है कि वहाँ हो सकता है और उसका उपयोग हम भविष्य में आने वाले समय में कर सकते हैं। केरल में, केरल के तटीय क्षेत्रों में रेत है, वहाँ पर मोनाजाइट एक ऐसा तत्व है जो कि संभावना है कि वहाँ बहुत मात्रा में मिल सकते हैं, जिनका उपयोग हम आगे एक बहुत व्यापक पैमाने पर कर सकते हैं और वो भी एक विस्तृत संसाधन के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक संसाधन के रूप हुए बच्चों। अब मैं आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और अगले क्लास में, अगले जो पार्ट में हम लोग अन्य जो मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन है इन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बच्चों आपकी कक्षा इतनी ही, धन्यवाद।